वालेकुम। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 9th फेडरल बोर्ड के लिए लेक्चर नंबर वन में हम चैप्टर नंबर वन डिस्कस करेंगे, जो कि जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, नंबर वन इंट्रोडक्शन, उसके बाद डेफिनेशन, एप्लीकेशन, रोज एंड कॉलम, आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके बाद हम इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों को हम वन बाय वन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में यह है कि द आइडियाज़ ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केलीज इन 19th सेंचुरी, हु फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। तो इंट्रोडक्शन में हमें यह पता चला है कि जो हमारा मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केलीज के नाम से 19th सेंचुरी में दिया था। उससे पहले 1858 में उसने एक थ्योरी डेवलप की थी, जो कि हमारी मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के बेस पे। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ दी मैट्रिसेस, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ दी मैट्रिसेस हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ दी मैट्रिसेस क्या है अकॉर्डिंग टू बुक्स के हिसाब से, तो अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ रियल कलेक्शन रियल नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच इज 1, 3, 4, 7, 2, 0 एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है कि अगर हम कोई रेक्टेंगुलर अरे ले रहे हैं या फॉर्मेशन ले रहे हैं, किसकी एक कलेक्शन ले रहे हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कौन से रियल नंबर ले रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। अगर हम इसको इस पैटर्न में रख रहे हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0, तो इसको अगर हम इनक्लोज करें किस में, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर वो फॉर्म हो जाएगा तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद मैट्रिसेस जो भी होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे हम सेट होते हैं, जो सेट होते हैं उनको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ABC XYZ कैपिटल लेटर में, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम रोज कहते हैं, और वर्टिकल लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जर्नली डिस्कस किया है A=A11, A12, A21, A22। तो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसकी, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ दी मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वो कहाँ पर यूज़ होती हैं, तो कह रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आर यूज्ड इन दी फॉलोइंग फील्ड्स, कौन कौन सी, मैथ, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस। और ज़्यादातर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो होते हैं यूज़ हमारी कंप्यूटर साइंस में, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हम मैट्रिसेस का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे रोज़ एंड कॉलम के बारे में। तो हमारी रोज़ और कॉलम क्या होते हैं हमारी मैट्रिसेस में, अगर हम देखें इन मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, तो इसमें इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल लाइन आर अवे आर कॉल्ड रो। मैंने पहले डिस्कस किया था कि A11, A12, A13 ये क्या हो जाएगी, एक हमारी रोज है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोज कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो A11, A12, A13, तो इसको हम क्या कहेंगे, R1 इसको कहेंगे। अगर A21, A22, A23 तो ये क्या हो जाएगा हमारा, R2। A31, A32, A33 वो क्या हो जाएगा, R3। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ इन मैट्रिक्स ए देर आर थ्री रोज शोन बाय R1, R2 एंड R3, जो कि हमने डिस्कस किया। और उसके बाद जो भी हमारी किसी भी मैट्रिक्स में जो क्वांटिटी है, जो रो की
तादाद है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम आर से या एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वेज में हम यहाँ पे हम देखें तो कॉलम्स, तो कॉलम्स को हम अगर यहाँ पे हम देखें 3, 1, 4, 2, 5, 6, 4, 7, 9 तो ये हमारे क्या है मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज हैं इनको हम क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। तो इसको हम C1, इसको C2, इसको हम C3 कहेंगे। तो मैट्रिक्स सी हैज अ 3 कॉलम्स एज शोन इन C1, C2 जैसे हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे भी हमारी जो क्वांटिटीज़ है कॉलम की उसको हम सी आर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई द आर्डर। जो भी हमारे किसी भी मैट्रिक्स में मौजूदा रोज और कॉलम का जो तादाद है वो हमारा आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है या स्पेसिफाई करता है। तो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम देन एक्स इज सेड टू बी ऑफ आर्डर एम बाय एन। तो हम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम एम बाय एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें एक मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स, तो उनके एलिमेंट कौन से हैं 2, 3, 9, 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है R1 मींस 1 रो, R2 मींस 2 रोज, तो 2 लिखेंगे। और कॉलम अगर हम देखें तो C1, C2, तो यहाँ पे भी कितने 1, 2 मींस क्या हो जाएगा 2 बाय 2 का हमारा आर्डर हो गया इसका। अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स दूसरा ले रहे हैं Y, तो यहाँ पे 1 रो 2 रो, कॉलम अगर चेक करें 1, 2, 3 तो क्या हो जाएगा 2 बाय 3। सेम वे अगर यहाँ पे हम देखें तो A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 रो 2 रो 3 रो, कितने हो जाएंगे 3 रो। अगर कॉलम देखें 1, 2, 3 कॉलम तो क्या हो जाएगा 3 बाय 3। तो इनका आर्डर जो हो गया इसका 2 बाय 2, इसका 2 बाय 3, इसका 3 बाय 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाय 2, इसको हम 2 बाय 3, इसको हम 3 बाय 3 भी लिखते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अगर हम लेट कर रहे हैं ए एंड बी 2 मैट्रिसेस ले रहे हैं देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी डिनोटेड बाय, किससे हम डिनोट करेंगे ए इज़ इक्वल टू बी के। वो कब होगा इक्वल, उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो कंडीशन ये है कि द आर्डर ऑफ ए, आर्डर ऑफ़ ए हमने डिस्कस किया कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम हैं वो बराबर होने चाहिए किसके आर्डर ऑफ बी के। और दूसरी बात ये कि करेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1, 3, -4, 2, तो इसका हम अगर आर्डर देखें तो क्या आर्डर है इसका 1, 2, 1, 2 मीन्स क्या है 2 बाय 2। अगर बी दूसरा देखें तो यहाँ पे भी क्या है 1, 2, तो इसका भी आर्डर क्या है 2 बाय 2, 2 रोज़ एंड 2 हमारे पास क्या है कॉलम। तो इनका आर्डर तो अभी सेम हो गया, अब इनकी क्या करनी है चेक, हमने एंट्रीज चेक करनी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 + 1 = 3 हो गया। यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 2 है 4 - 2, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो मींस ए इज इक्वल टू किसके है बी के। तो दूसरा हम ले रहे हैं एल, एल हमारा क्या है 2, 3, -1, 2 एंड एम इज इक्वल टू 2, 3, -1, -2। तो पहले हम क्या चेक करेंगे इक्वल मैट्रिक्स के लिए आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी। तो यहाँ पे हम देखें इसका आर्डर क्या है 1, 2 और कॉलम 1, 2, तो क्या हो गया 2 बाय 2, इसका भी 1, 2 तो ये क्या हो गया 2 और 1, 2 2 बाय 2। आर्डर तो सेम है, अब देखने करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे -2 है, तो ये करेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वो इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे एल इज़ नॉट इक्वल टू एम के। तो ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ। इक्वल मैट्रिक्स हम उससे कहेंगे जिसके आर्डर ऑफ ए बराबर होने चाहिए आर्डर ऑफ बी और करेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए।